तो फिर इसका मतलब है कि हाथ की लकीरें बदलती भी हैं? बदलती हैं, आपके माइंडसेट के साथ किसी ने मेरा हाथ देखा था स्टूडेंट के जमाने में, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी शादी तो 6 महीने भी नहीं चले। अच्छा, बड़ी शर्तें लगी थी। मेरे कजन ही थे पोजाद भाई, वो बहुत अच्छा देखते थे मुझे। उन्होंने जब शादी की मेरी बात चली, जब मैं स्टूडेंट थी तो उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा शादी अच्छा, मैंने कहा अच्छा चले, मैं कहा मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, मेरे ख्वाब थे बड़े बड़े। वो बड़े ख्वाब क्या थे? मेरा अपना जू होगा, मैं कमाऊंगी, मेरी एक स्पोर्ट्स कार होगी, शाम में अपनी फ्रेंड्स के साथ यूज कर और फिर अपने जानवरों के साथ, अब मैं खूबसूरत सा जंगल सा बना होगा, उसमें मेरा छोटा सा घर होगा जिसमें मैं रहा करूंगी, बेशुमार जानवर मेरे, मेरे जानवर, आई एम अ वेरी ग्रेट एनिमल लवर। तो वो ये मेरे एम थे, वो दिमाग की लाइन भी ऐसी थी। राणा साहब आ गए, मैं राणा साहब की एंट्री हो गई, मैं अगर राणा साहब मुझे माफ करना मैं तो तो वो हाथ देकर उन्होंने कहा 6 माह। हाँ, ले फिर उन्होंने शर्त लगाई मेरी शादी पे, उन्होंने शर्त लगाई कि 6 महीने से ऊपर शादी ये गुजर गई तो ये मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हूँ तुसी मेरे नाल कीता है गलत वाला भंगा, मैं भी बटनी हाँ घर पहुँचा के आवाँगी। अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला आज हमारी शादी को 33 साल हो गया, और तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो हो सकता है कि वो सुहेल राणा साहब के हाथ में लंबी लकीर हो, ये भी तो हो सकता है। वैसे ना पहले 1 साल में ऐसे हालात बने जरूर थे। अच्छा, हाँ, अब वो भी मैं समझती हूँ उनका भी कोई गलत नहीं थे, कि ऐसे हालात बन रहे थे कि जिसमें मुझे लगता था कि शायद मैंने कहा मैं तो खाना नहीं खिलाना, मैं पूरा करके दिखाना है, वो अल्लाह का फज़ल, अल्लाह का बड़ा गफूर रहीम है। ये जो रूहानी मामलात हैं, तो कुछ मखलूकात से कभी आमना सामना हुआ, बातचीत कभी हुई? हाँ, पूछो आज़म, अब तो जो मखलूकात से सामना अल्लाह मुझे माफ करना, माफ कर देना, कोई सीरियस ना ले ये अज़रा है मजाक बात हो रही। हुआ कभी सामना सामना ऐसी मखलूकात से, जिन्नात से, ये लोगों से कभी बातचीत? ऐसे वैसे जिन्नात तो ख्वाबों में आते हैं वो जनाब जिन्नात से, चीज़ों से, बिल्कुल। ये मखलूकात जब चाहें जाहिर भी कर लेती हैं खुद को, और ना जाहिर करना चाहें तो किसी अच्छा दूसरे लोगों की शक्लों में भी आती हैं। हमारी शक्लें, हमारे अपनों की शक्लें भी इख्तियार कर सकती हैं, जानवरों की शक्लें इख्तियार कर सकती हैं, छिपली की शक्ल, मकोड़ों की शक्ल, यू नेवर नो के सांप की शक्ल। अच्छा, मैंने वैसे 1-2 बार मुझे इत्तफाक हुआ, और अगर असल शक्ल में देखें तो वो बहुत खौफनाक होती है। अच्छा, मजाक के अलावा, मतलब हर एक की अपनी अपनी, अच्छा जो होते हैं ना नेक मुसलमान जन्नात बुजुर्ग, वो बुजुर्गों की शक्ल में होते हैं। मुझे याद है हमारा कैंट वाला घर था पेरेंट्स का ना, शादी से पहले की बात है, तो वो उसमें जो ड्राइंग रूम था हमारा, अच्छा वो जो वो था कोई अंग्रेजों के ज़माने का घर, उसमें जो स्विच होते ना लाइट वाले, जो तांबे के नहीं होते थे, जिनका वो पूरा पोल ढक करके नीचे, तो ढक करके ऊपर, वो भला था एन मगरिब के टाइम डेली हमारे वो खुद ब खुद लाइट ऑन होती थी, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा इतना खुल जाता था, और हमें पता था, हमारी दादी को पता था कि वहाँ पे जिन्नात है, जिन्नात का वहाँ आते हैं और वो इबादत करते हैं उस जगह पर। एक ख़ास जगह थी वहाँ, हमारी दादी ने शुरू से ना वहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा रखना, कोई अगरबत्ती जलाना, रोशन कहती थी मगरिब पे दरवाज़ा खोल दो और लाइट जला दो, कभी जब हम भूल जाते थे तो लाइट भी जल जाती थी और दरवाज़ा भी खुल जाता था। तो वो ऐसा एक दिन मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, दिन की रोशनी थी, असर के वक्त तो रोशनी होती है, और मैंने ना इस तरह जैसे सलाम फेरा ना इधर, तो मेरे इधर ना एक बारिश बुज़ुर्ग ग्रीन चोगे में इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ, और वो ज़मीन पे टच नहीं कर रहे थे, हवा में इतने मुवक्कल थे, ऐसे हवा के ऊपर थे, उन्होंने भी साथ सलाम फेरा, तो मतलब मैं तो सलाम वहीं अटक गया ना, तो और वो एकदम ऐसे हवा की तरह ना दरवाजे से निकल गया। तो फिर मैंने कुरान की ना किरत की आवाज़ पर, आधी रात को मेरी ऐसे आँख खुली, तो मुझे ड्राइंग रूम के उसी हिस्से से, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत आवाज़ और इससे खूबसूरत किरत नहीं सुनी जो मैंने की तलावत। मैं कहती हूँ मैं मिसमराइज नहीं हो जाते आप? अच्छा, फिर चले मेरा एक दिन का धोखा हो सकता है, दूसरे दिन एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरी आँख खुली और ना वही कुरान पाक की तलावत हो रही। तो मैंने अपनी बहन को ना, मेरे साथ मेरी बहन सोई हुई थी, मैंने अपनी बहन को उठाया, मैंने कहा आवाज़ सुनो, तो जब उसको भी आई, मतलब ये कि खाली एक बंदे का वहम हो या कोई ऐसी चीज़। फिर हम दोनों ने ड्राइंग रूम, फिर मैंने अपने अब्बू से जिक्र किया,
अबू ने कहा बस चुप कह जाओ, तूने पता था पहले? हाँ, पता था उनको कि जो है ना ये इसमें ये तो नेक मखलूकात है ना, कभी शरंगेज या किसी इस तरह के जिन से भी सामना हुआ? हाँ, पता क्या हुआ, एक दिन मेरी ना बहुत प्यारी फ्रेंड थी और उनके हस्बैंड मेरे उस्मान साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे हस्बैंड के, उनकी बेगम बहुत प्यारी खातून। मैं ना उसके घर कुछ सामान, उन्होंने जाना था दुबई, मैंने अपने बेटे के लिए कुछ सामान भिजवाना था, तो मैं बैग देने उनके घर गई ना, तो मैं बैग देने की जब बैठी तो वही मेरी सेंसेस अलार्म एंटेने खड़े हो जाते, तो वो मुझे ये लगा कि जैसे समथिंग इज़ रॉन्ग है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है बहुत बड़ी। अच्छा, मैं जब चाय शाय पी ली निकलने लगी तो मैंने कहा उसको कि मैंने कहा नाम लेके उसका आपकी फ्रेंड का, मैंने कहा मुझे बताओ सब ठीक है, खैरियत है घर में? कहती है हाँ ठीक है। मैंने कहा सब ठीक है ना, मैंने दूसरी बार पूछा, कहती हाँ खैर। मैंने कहा नहीं नहीं बस वैसे ही, मैं निकल गई। अभी मैं घर पहुंची तो हमें दो घंटे बाद ना, जब मेरे हस्बैंड के दोस्त उनके मतलब उनके हस्बैंड घर पहुंचे तो उसने शायद जिक्र किया, तो उनका फ़ोन आ गया हमें, उन्होंने कहा कि आपने भाभी पूछा था तो खैर थी? मैं कह नहीं मैं तो वैसे पूछी थी, खैर है तो कोई परेशानी की बात नहीं। कहते नहीं आप लोग ज़रा आ जाएं, खैर नहीं है। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड गए तो सब नीचे बैठे हुए, माशाल्लाह उनके बेटे 6-6 फुट के जवान, मेरे एक बेटे की शादी हुई थी, बहू भी थी, तो हम बैठे हुए, उन्होंने कहा जी बहुत ही अजीब मामलात हैं हमारे साथ और अजीब सी मखलूक नज़र आती है, और वो उस बच्ची पे भी हमला एक बार हो चुका था, और हमारे घर में ये था कि किचन के बाहर दरख्त था, दो काली बिल्लियाँ ना वहाँ बड़ी रोती थी, इन्होंने तंग आके ना उसको बड़ा भगाया किया, वो इन्होंने ना उसको दूध में ना जहर दे के मार दिया और उनको वहीं पे दफना दिया। तो अगले दिन सुबह फिर वो भी फ्रेश बैठी हुई थी, वही आवाज़ें निकाल रही थी। तो अच्छा मैं उन्होंने कहा जी ऊपर वाले पोर्शन में तो हम में से कोई नहीं जाता, इतना डर लगता है क्योंकि बहू को अटैक भी हुआ उस पर, ऊपर उसको नज़र भी आता है। अच्छा मैंने कहा अच्छा, मैं कहा अच्छा चले मुझे दिखाएं, अब मेरे साथ ऊपर जाने को तैयार ही नहीं, अकेली जाएं तुझी जाओ। मैं कहा अच्छा ताड़ी सलाम दुआएगी, ताड़ी नहीं है। फिर बहरहाल बहू बेचारी ने तो सीढ़ियों पे आके कम से कम लाइट ही जला दी, बाकी तो कोई 6-6 फुट के हमारे नौजवान वो भी करने को तैयार नहीं थे। वो मैं ऊपर जब गई ना, जब मैंने जैसे ऐसे फिरना शुरू किया चक्कर लगाना, तो साहब तो मुझे किचन में ही नजर आ गए, कोई आई थिंक कम अज़ कम 6.5 फुट का कद होगा, और बालों जिस्म पे इतने इतने लंबे बाल झालर की रींच की तरह ना, लेकिन एक आंख थी येलो कलर की माथे पे, और बस मुंह ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ। तो वो मैं कहा कि तो कोई दजाल का मुझे रिश्तेदार लग रहा है, ये आंख तो दजाल। बहरहाल जैसे मेरी नज़र उस पर पड़ी ना, ही नोस के मैंने उसको देख लिया। ओके और वो खड़ा मसलसल उसकी वो आँख से ना एक अजीब सी आपको हीट आपके बॉडी को क्रॉस करती हुई महसूस होती है, वो मुझे कर रहा है। मैंने देखा, मैं नीचे आई, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही तो जिस ड्राइंग रूम में बैठकर हम लोग बातें कर रहे थे उसकी बड़ी खिड़की थी जो पिछले वही दरख्त के साइड पे खुलती थी, तो वो खिड़की पे ना उस साइज़ के 4-5 ऐसे वो ऐसे करके खिड़की के पास बैठे थे, बातें सुन रहे थे। मैं उतरी, महंगे जी आपके बहुत अच्छे आपने रिहायशी रखे हुए। मैंने उनको कहा कि आपका घर अपना, मैंने ज़िंदगी में इतने सालों में मैंने पहली बार उनसे पूछा, क्योंकि साल साल से मैंने उनको इन्हीं घर में रहते देखा था। तो उन्होंने कहा नहीं ये रेंट पे है। और मैंने कहा शुक्र करो कि ये रेंट पे है। मैंने कहा यहाँ से ना आप बस आप छोड़ के निकले। मैंने इसलिए कि वो मखलूक इतने की ताकतवर थी और इतनी ज़्यादा तादाद में घर में फैल चुकी थी कि ये इनके बस की बात नहीं थी।